हाय गाइस, इट्स उज्ज्वला एंड वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो, जहां पर आप देखते हैं फैशन, स्टाइल, ट्रैवल, ब्यूटी के वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय सिल्वर ज्वेलरी, जो मैंने कलेक्ट किया है पिछले कई सालों से। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट, एंड इसका सेक्शन मैंने अलग अलग पार्ट में किया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट, जब भी हम किसी पर्सन को देखते हैं तो फर्स्ट नजर आती है अपने नेक पे, तो फर्स्ट इज नेक, आफ्टर दैट इयर रिंग्स, फिर हम नोज पे जाएंगे, फिर हेयर एंड देयर, मतलब सारी सिल्वर ज्वेलरी जो जो यही जहाँ पर यूज करते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में दिखने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक। ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारे नेक पीस हैं, तो फर्स्ट नेक पीस में जो दिखाने वाली हूँ वो है जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं सिल्वर ज्वेलरी में एंटर किया था तब मेरे पास था, एंड दिस वन इज दिस। तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा मिनी चौकर है जो कि सिल्वर में मेरे पास फर्स्ट टाइम था, एंड इसकी प्राइस 150 थी। एंड लाइक दिस सिल्वर पीस जो मेरा पहला सिल्वर पीस था जिसे मेरे पहन में खरीदा था उसके लिए, बट ये अब मेरे पास आ चुका है तो मेरा नहीं है। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग। तो ये वाला फर्स्ट नेक पीस है। इसके बाद दूसरा जो नेक पीस है, मोस्टली मैंने सेट में लिए थे क्योंकि मुझे इयररिंग्स का बाद में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे पास ज्यादा सिल्वर ज्वेलरी नहीं थी, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला नेक पीस था, ये बहुत ही प्यारा नेक पीस है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी इस पे अपलोड किया है एंड आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है उस पे। सो ये वाला नेक पीस भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एंड लाइक किसी पर भी इजीली चला जाता है। तो इसकी प्राइस 350 थी। ये मैंने मोस्टली चोकर्स लिए हैं और सब कुछ लोकल मार्केट से है, तो मैं उसकी लिंक नहीं दे सकती आपको, बट सेम लिंक मैं आपको दे सकती हूँ जो कि मैंने AJIO इंट्रा एमेजॉन पे लिखा है, तो उसकी मैं पुट कर दूंगी। तो इसके साथ आए हैं इयररिंग्स जो कि इजीली दूसरे किसी भी नेकलेस के साथ चले जाते हैं, जो पहले वाला मैंने लिखा था उसे कभी चले जाएंगे। एंड द थिंग, इसके साथ ही मैंने और एक लिया था क्योंकि जो उसके जो इयररिंग्स है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लग रहे थे मुझ पे, तो आई थॉट कि मैं और एक चूज कर लूँ। तो ये वाला थोड़ा सा इसमें मिरर है, एंड दैट्स द थिंग, ये बहुत ही ज्यादा बचता है जब आप पहनोगे तब, तो मुझे ये बहुत पसंद है। दैट्स इट अबाउट दिस। और एक है मेरे पास जो कि पूरा का पूरा मिरर वर्क है, एंड ये मैंने एक रिसेंटली वीडियो में भी पहना था। इसकी फोटो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आई है, मिरर वर्क, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है, और दूसरे किसी नेक पीस की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये पूरा आपसे कवर कर लेता है, एंड आई लव दैट थिंग। एंड ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, जितना ये दिखता है उतना भारी नहीं है, तो आई जस्ट लव दैट थिंग, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। और इसके साथ मुझे मिले हैं इयररिंग, तो इसके इयररिंग सुपर प्रिटी एंड सुपर लाइट वेट, इजी गोइंग, किसी भी आउटफिट के साथ चले जाएंगे। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक पीस, ये भी एक चोकर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल पिंक कलर है, और ये मैंने सीखा है मोस्टली वो चला जाता है, बट दैट्स ये मैंने मेरे ही शहर से, मतलब मेरे होम टाउन से लिया था, एंड इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा है, मतलब 450। कैन यू इमेजिन, जो मैंने अभी तक दिखाया वो 150-250 के अराउंड मिल रहे थे, एंड ऑफकोर्स जब भी आप छोटे शहर से लोगे तो इसकी महंगा मिलेगा। एंड इसके साथ आए थे इयररिंग्स छोटे छोटे, तो ये वाला इसके साथ था। एक्चुअली इसके नीचे भी कुछ था बट उसको पसंद नहीं आया तो उसने निकाल दिया, बट ओके, एक लिटिल बिट छोटा अच्छा दिखता है, तो आई थिंक दैट्स इट। और फिर हमारे पास और एक नेक पीस है, और मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली, इसमें मेरे साथ, कैन यू इमेजिन, मैंने एक साथ इतनी सारी उठा ली, मेरे पास 6 से 7 कलर है इसमें, एंड आई थिंक नवरात्रि के दिन मैंने उठाई थी, तो 9 कलर है मेरे पास इसमें, लाइक ऑरेंज, येलो, ब्लू, पिंक, ये सारे कलर है इसमें, बट दिस वन इज अ फ्यू पीस। और इसका रिसेंटली मैंने पिंक वाला जो वर्जन है वो पहना था, तो मैं आपको क्योंकि इतने सारे कलर में बट द डिजाइन आर द सेम। तो नेक्स्ट नेक पीस एक बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक एंड क्यूटी प्रोवाइड करता है, एंड लुक एट दिस स्क्वायर, मुझे स्क्वायर ट्रायंगल्स बहुत ज्यादा पसंद है, सर्कल से भी ज्यादा। एंड ये वाला नेक पीस बहुत ही ज्यादा, मतलब स्टेटमेंट ज्वेलरी है, बट मैं ज्यादा नहीं पहनती क्योंकि आई डोंट लाइक दिस, ये निकाल दिया तो आई थिंक मैं पहन लूंगी, बट मुझे नीचे वाला पसंद नहीं आया। सिमिलरली इसके जैसा ही मेरे पास और एक है जो कि ब्लैक कलर में है, जो ये वाले जो है वो ब्लैक है, और इसको लगाने के लिए आपके पास एक ट्राई करना है ये, तो ऐसा है। आई थिंक ये मेरे सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, वो वहां से उसने परचेज किया था, बट मीडियम ही लाइक एज मच एज शी इज थोड़ा तो पसंद आया। नेक्स्ट थोड़ा सा नेक के नीचे आते हैं, तो लुक
ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है। ये मैंने पुणे से एक लोकल मार्केट से लिया था एंड थिंग इसकी प्राइस यानी इमेजिन जस्ट 100 रुपीज। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इसकी प्राइस 100 रुपीज हो सकती है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। मेरे मोस्टली जो रिसेंट वाले जो फोटोशूट है या वीडियो थे इसमें मैंने बहुत ज्यादा यूज किया एंड मोस्टली व्हाइट सूट पर इसको पहनने के बाद ना डेली वाली व्हाइट रहता है तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है उस वजह से। तो मैंने ये बहुत बार यूज किया है एंड आई एम स्टिल गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। सो आई जस्ट लव दिस वन। सो नेक्स्ट ये वाला जो नेक पीस है, एग्जैक्टली नेक पीस नहीं है बट आप बना सकते हैं उसको। तो मुझे जैसे पता है आपको कि ट्रायंगल स्क्वायर पसंद है तो ये ट्रायंगल है एंड आई लव दिस वन। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और इजी गोइंग है। मोस्टली कुर्ताज के साथ आप क्या पहन सकते हो, तो इस टाइप ऑफ ज्वेलरी आप पहन सकते हो। ज्यादा हेवी भी नहीं होगा एंड लोग ज्यादा एग्जैक्टली कैचअप नहीं करेंगे आपको, बट लुक एलिगेंट क्लासी एंड बेसिक। सो आई लव दिस। सो वी हैव अनदर टू पीसेस बहुत ही ज्यादा, मतलब ये डी आई वाई पीसेस है। एक्चुअली मैं जब पुणे में रहती थी ना, मुझे ये वाले जो होते हैं बकल्स या फिर यू कैन से पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसको, बट ये वाले मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। तब मैंने इसे 2-3 ले लिए थे एंड उसके साथ मैंने ये खुद से कलर चूज करके ले लिया एंड इनको एक साथ रैप अप कर लिया एंड दैट्स इट लुक। और ये मतलब मैं जब भी चाहूँ किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकती हूँ, तो दैट्स व्हाई मुझे ये पसंद आया था। एंड सीरियसली ये डी आई वाई है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। कलर एग्जैक्टली कैमरे में नहीं दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए, बट ट्रूली बिलीव ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। हमारा नेक पीस कलेक्शन पूरा हो चुका है। सो नेक्स्ट अप आफ्टर नेक वी आर गोइंग टू सी द इयररिंग्स। तो एज अ मी मुझे छोटे पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने इयररिंग्स में और एक मतलब अपग्रेड किया है खुद को ही, यानी इमेजिन कि मैं ये सब कुछ पहन सकती हूँ। तो मैंने ये जो इयररिंग्स ली है ये भी पुणे से है। अफकोर्स मैं पुणे से ज़्यादा वहाँ नहीं एमपी, बट वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वो सिटी से बाहर था प्लेस, तो दैट्स वाई मुझे वहाँ पर एसी वाली शॉपिंग करने नहीं मिली। बट इस हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। तो ये इयररिंग्स है मल्टी कलर में, यहाँ पर जो दिया है वो मल्टी कलर है एंड ये झुमका बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है और मोस्टली इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट वाइबी है ये, तो बहुत ज्यादा प्यारा दिखता है। किसी भी ज्वेलरी पीस की इसके साथ जरूरत नहीं, इसकी आवाज आई एम एंजॉयिंग करना बट ओके ये वाला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है इफ यू वेयरिंग विद साड़ी जो कि पूरी प्लेन हो या फिर यू नो जस्ट वांट टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, तो ये इयररिंग्स काफी है, कुछ भी जरूरत नहीं है दूसरे की। तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी प्राइस आई थिंक मुझे ये 300 या 250 में मिला था पूरी को, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दैट्स द थिंग। बट तब भी आई थिंक मैंने ले लिया, जस्ट मेरे पास नहीं था दैट्स व्हाई, बट आई एम लव विद दिस एंड मैंने बहुत बार इसको यूज किया है। आई थिंक पैसे तो वैसे हो चुके हैं इसके। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो द क्यूट क्यूट इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे और इसके साथ और एक इयररिंग्स है, ये झुमकास जो कि बहुत नॉर्मल न्यूट्रल है झुमकास, तो ये झुमकास मैंने लिए है। एंड द क्यूटेस्ट पार्ट ऑफ दिस इयररिंग, तो ये एक लैम्प है, आई कैन इमेजिन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था ये। एंड ये बहुत क्यूट दिखता है, किसी भी कुर्तीज के साथ इजीली चला जाता है, इंडो वेस्टर्न स्टाइल में भी एडजस्ट होता है, तो दैट्स व्हाई आई लव दिस वन। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखता है एंड इसका शेप एंड फिनिशिंग जस्ट परफेक्ट, सो क्यूट है एंड स्मॉल है तो मुझे तो चाहिए था। नेक्स्ट जो इयररिंग्स है वो थोड़े से बड़े हैं एंड इसमें भी मिरर वर्क है, मुझे बहुत ज़्यादा मिरर वर्क पसंद है एंड इसके जो छोटी छोटी जो यहाँ पर डिटेल्स दिए हैं उसमें भी मिरर है, सो आई जस्ट लव दिस। एंड इसकी प्राइस जस्ट 50 रुपीज की, तो व्हाई नॉट, बहुत तो नेक्स्ट इयररिंग्स है झुमका। सो मल्टी कलर में झुमका मेरे पास नहीं थे तो आई ब्रॉट दिस वन एंड ये वाला झुमका किसी भी आउटफिट के साथ चला जाता है, तो मोस्टली मल्टी कलर है दैट्स व्हाई। द सिंपल इयररिंग्स बहुत पहले लिए थे मैंने एंड नेक्स्ट ये, ओ माय गॉड दिस ब्यूटी, कैन यू सी, ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है विद द पर्ल विद सिल्वर कॉम्बिनेशन, इट गोज रियली ऑसम। एंड मेरी इतने सारे जो आउटफिट है ना उसके साथ मैंने इतनी बार इनको स्टाइल किया, हमेशा ये कुछ नए दिखते हैं, कुछ यूनिक मैंने यूज किया है, सही दिखता है, सो आई जस्ट लव दिस वन। ये इयररिंग्स बहुत बहुत कमाल है, कैन यू सी, अगर आपको कुछ इस तरह मिल रहा है तो प्लीज ले लेना, बहुत ही मल्टी टास्किंग इयररिंग्स है ये, सो माई फेवरेट। सो नेक्स्ट इयररिंग्स, ये एक्चुअली एक नेक पीस ही था बट अभी मेरे पास वो नेक पीस नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है, पुणे में रह चुका है या फिर घूम चुका है दोनों, बट ये वाले जो इयररिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड इसमें भी मिरर वर्क है एज यू सी एंड थोड़ी सी
थोड़े से ही लंबे हैं, सो आई जस्ट लव दैट। एंड सूट वाइज रहता है एंड पहनने के बाद भी बहुत एलिगेंट लगता है, मुझे किसी भी आउटफिट के साथ ये चला जाता है, सो आई जस्ट लव दिस थिंग। एंड इसके बाद और एक मिरर वर्क का ईयर है हमारे पास, दिस आई जस्ट लव आफ्टर दिस वन, ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट क्लासी एंड किसी भी कॉम्बो के साथ इजी गोइंग वाला है, तो जस्ट लव। आई नो इसके बारे में बोलना गलत था कुछ भी, बट इफ यू वॉचिंग स्टिल फिर भी नो आई एम लव लव लव। सो नेक्स्ट अभी तक जो देखा था पूरा क्लासिक एस्थेटिक वाला था सब कुछ, बट अभी हम जिस वर्ल्ड में मोस्टली रहते हैं कॉर्पोरेट टाइप में, तो यहाँ पर ऐसे इयर रिंग्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो ये सिंपल क्लासिक ऑफिस इयर रिंग्स हैं, तो मुझे ऐसा ही चाहिए था वो वजह से, सो आई बाय दिस वन। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था जिसकी प्राइस थी 150 अराउंड समथिंग, ये मैंने एमेजॉन से ऑर्डर किया था। सो या आई थिंक इट्स अ ग्रेट, या दैट्स इट, वी आर डन विद इयर रिंग्स। नो 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 नो, द वन इयर रिंग्स आई मिस दैट आई एम वेयरिंग, दिस वन इज सो ब्यूटिफुल एलिगेंट हाफ सर्कल, और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रहा है एंड अभी भी मुझे क्यूट ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला इयर रिंग्स मैंने रिसेंटली एक ट्रिप पे भी पहना था, जो कि एक रेड टॉप के साथ, मतलब रेड वन पीस के साथ चला जा रहा था, एंड दिस विद माय लुक राइट नाउ गोज वेरी वेल। सो आई जस्ट लव द सर्कल एंड इट्स गिव्स अ नाइस डिटेलिंग ऑन द इयर रिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई लव दिस वन। तो ये वाला मेरा तीसरा मोस्ट फेवरेट इयर रिंग्स है एंड करंटली मैं मोस्टली यही ज्यादा यूज कर रही हूँ। तो so next we are going to see the one thing I want to show you, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है फिलहाल, तो हमारा जो मांग टीका है, तो मेरे पास ओन एंड ओनली एक ही मांग टीका है सीवर में, बट इट्स वेरी गॉर्जियस और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। एक्चुअली मेरे पास एक पूरा सेट था जिसमें इयर रिंग्स थे और नेकलेस था, बहुत सारे यहाँ अपने प्लेस भी था और एक भी बहुत सारे थे, तो उसके साथ ही आया था बैंगल्स। तो रिसेंटली आई गेट दिस वन लुक, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड अभी मैंने रिसेंटली लुक किया था उसमें भी मैंने ये पहने हैं, इट्स अमेजिंग। एक ही हाथ पे आप पहन लो तो बस कोई काम नहीं दूसरा जरूरत नहीं, सो आई जस्ट लव दिस वन। और इसकी प्राइस है 350 एंड इसके साथ मैंने और एक लिया है जो ये है, एक्चुअली इसमें है 4 सेक्शन वाले अलग अलग एंड इसके साथ कुछ बैंगल्स है, सो इट्स लुक लाइक दिस एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है एंड एक्चुअली ये सब कुछ एक कॉम्बो के साथ चला भी जाता है एंड आप सिंगल भी हैंड यूज कर सकते हो, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट लव दिस वन। एंड ये रिसेंटली मेरे पास सिल्वर में कॉम्बो है एंड आई जस्ट लव 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 दिस वन। नेक्स्ट वी हैविंग दिस ब्यूटिफुल ब्रेसलेट, एक्चुअली मैं इनको बैंगल्स की तरह भी बहुत बार यूज कर चुकी हूँ एंड रिसेंटली ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फोटो में आया था एंड तब से बहुत लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, सो दैट्स द थिंग। बट ये एक्चुअली एक मेरे लिए और मेरे सिस्टर के लिए मैंने लिया था और ये बहुत ही दिखता है, तो दैट्स इट, वी आर डन विद आवर बैंगल्स एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नोज रिंग्स। एक्चुअली मुझे नोज रिंग कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड मोस्टली मैं जब कुछ एस्थेटिक वाइब देना पसंद करती हूँ तो मैं नोज रिंग पहनना पसंद करती हूँ, तो मेरे पास 4 नोज रिंग है जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। बड़ी इसलिए ली क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ एंड महाराष्ट्र में नथ इज बियॉन्ड एवरीथिंग, ओके, एंड इट्स माइंड ब्लोइंग जब आप नथ पहनते हो, किसी भी लड़की के लिए यू नो नथ इज फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप महाराष्ट्रियन हो कर रहे हो। बट एक्चुअली मुझे जितनी ज़्यादा गोल्डन नथ पसंद है उतनी ज़्यादा सिल्वर पसंद नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्ट विथ मी क्योंकि मेरे पास सभी कुछ सिल्वर होगा तो नथ वाई नॉट नथ, एक्चुअली इस नोज में जाने वाली तो लुक। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखती है अगर आप पूरा अटायर पहनोगे उसके बाद ही एंड दैट्स द थिंग, वो उसमें बहुत सारा बहुत कुछ है लाइक ग्रीन पिंक एंड कुछ पर्ल भी, सो दैट्स द थिंग। और नेक्स्ट नथ ये बहुत छोटी है इसके लिए, मतलब ये वाला जो कलेक्शन है ना मोस्टली मेरे सिस मुझे गिफ्ट करते हैं, कभी कभी मैं लेती हूँ तो कभी कभी मैं लेती हूँ, वो बहुत कम होता है क्योंकि मैं इन्वेस्ट ज़्यादा कपड़ों में करती हूँ, ज्वेलरी में बहुत कम, दैट्स वाई। बट इट्स ओके, कोई भी लाए, घर तो आने वाली है। नोज रिंग है, तो ये वाली जो नोज रिंग है ना इसका शेप एक मैंगो है एंड दैट्स वाई इसको लिया है, और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्यारी सिंपल सी दिखती है, एंजॉय। ये
वाला देखते हैं ठीक टाइम है एंड ये भी उसी तरह ही दिखती है बट स्टिल थोड़ा सा अलग शेप है और कुर्ती बड़ी है पूरी ना पूरी ये वाइब ना डेली वाली वाइब लगती है मुझे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है ये सब कुछ करना एंड एस्थेटिक दिखता है मोस्टली एंड थम्स अप है इसके लिए तो मोस्टली ये मैंने एक ही शॉप से सभी लिए थे बट इसमें से जो ये वाली नामी में पहनने वाली थी इसमें एक नैमल है एंड ये मैंने बहुत सालों पहने वाली बहुत एक दो ये वाली जो पहनी है ना अभी वो मैंने इंस्पायर होकर ली थी अनुष्का शर्मा से जिसने ये दिल है मुश्किल में बहुत बार ऐसा लुक क्रिएट किया है जो इंस्पायरिंग लुक है तो दैट्स व्हाई उसको देखकर मैंने ये वाली ली थी एंड आई जस्ट लव दिस वन ये मेरी पहली नोज रिंग है जो सिल्वर में है सो ऑलवेज टच माय हार्ट सो दैट्स इट वी आर डन विद द नोज रिंग्स और यही मेरे पास चार पांच नोज रिंग थी जो मैं मोस्टली अभी फिलहाल तो नहीं यूज कर रही बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू एज सच न्यू लुक्स तो मैं इनको यूज करूंगी एंड या वी आर डन विद आवर सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन मेरे पास और भी है बट मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा हेयर एंड देयर कर रही हूँ तो मेरे पास एक जगह पर सब कुछ रेडी हो रहा है तो दैट्स व्हाई अगर आप चाहते हो इसका पार्ट टू हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन तो मैं आपको दिखा दूंगी कि एग्जैक्टली और क्या क्या कलेक्ट कर सकती हूँ एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ और भी देखना है नया समथिंग एक्स्ट्रा तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट थिंग्स या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय सब्सक्राइब करना मत भूलना जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब बटन दबा देना और लाइक का भी ओके okay?